एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आईसेल क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। गाइस, आई होप प्रीवियस क्लासेस आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज हमारी थर्ड क्लास है। डे वन डे टू मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, और थर्ड क्लास में जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज की क्लास में हम कवर करेंगे आज से फॉर्मूलाज, राइट? यानी कि आज की क्लास में मैं एक बहुत छोटी सी क्लास लेकिन मैक्सिमम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस आपको सिखाने जा रहा हूं, जो है फॉर्मूलाज। और फॉर्मूले में हम आज की क्लास में सीखेंगे स्टेटिस्टिकल फॉर्मूला। गॉट इट? चिक कर देते हैं इसको। ऑलरेडी ठीक था। चलिए, सबसे पहले हम स्टैटिस्टिकल फंक्शन में सीखेंगे मैक्स और मिन निकालना। मैक्स और मिन हमारे दो फॉर्मूले होते हैं। मैक्स यानी कि मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करेगा और मिन यानी कि मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेगा। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी जहां जिस जगह पर आपको रिजल्ट फाइंड करना है, फॉर्मूला हमेशा वहीं लगाएंगे। तो फॉर्मूला मुझे जानना है F2 में मैक्सिमम सेल जाननी है किसकी है या किसकी नहीं है। तो सबसे पहले इक्वल टू करके आप फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू MAX मैक्स। चाहे आप टैब दबा दीजिए, चाहे आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे, नंबर वन नंबर टू इस तरह से आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर रेंज दे देता हूँ। मैंने यहां से लेके C3 से लेके और C9 तक की रेंज दी, और मैंने ब्रैकेट बंद किया और यहाँ पे एंटर किया। तो देखो, यानी कि वाओ, यानी बहुत अमेजिंग तरीके से इसने ऑटोमेटिकली सर्च किया और इसने मैक्सिमम जो हमारी जो सेल है वो इसने यहाँ पे कंसिडर कर दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे दिस वन, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, 98 कर दिया, नाउ चेंज हो गया, राइट? तो फॉर्मूला लगाने का यही बेनिफिट होता है। चलिए, जिस तरह से हमने मैक्स निकाला है उसी तरह से हम मिन निकालेंगे। इज इक्वल टू मिन, मैंने टैब लगाया और मैंने यहाँ पे रेंज दी, देन मैंने इसको ब्रैकेट बंद किया। तो देखिए, इसने मिनिमम निकाल दिया। वाह। नाउ तीन फॉर्मूले अगले आते हैं, काउंट काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। काउंट का मतलब भी गिनना, काउंट ए का मतलब गिनना, काउंट ब्लैक का भी मतलब गिनना होता है। लेकिन ये किस तरह से आपको काउंट करके दिखाएगा, आइए मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूं। इज इक्वल टू काउंट दिस वन, मैं आपसे बोलूंगा कि आप अभी पूरी रेंज लें, ये तो ये आपको डिफरेंस समझ में आएगा। मैंने A2 से लेके C9 तक की रेंज ली एंड ओके किया, तो यहाँ पे 7 ही आया। यानी कि इट मींस ये हमारे टेक्स्ट डेटा को काउंट नहीं करेगा, ये सिर्फ हमारे न्यूमेरिक डेटा को काउंट करेगा, न्यूमेरिक सेल्स को काउंट करेगा। अब काउंटे में देखते हैं, अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करता है तो ये क्या करेगा, इसमें भी सेम रेंज देते हैं और एंटर करते हैं। वाह, यानी कि इसने हमारे टेक्स्ट वाले सेल को भी काउंट कर लिया, 24 आया। इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, मैंने टैब दबाया, ये आपसे रेंज पूछ रहा है, मैंने इसमें रेंज दे दी दिस वन, और इसमें क्या आया, जीरो जीरो, यानी कि इसमें कोई भी सेल ब्लैंक नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस सेल को डिलीट करने वाला हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो देखिए, यहाँ पे 6, 23 एंड 1, आई होप पांचों फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। आगे चलते हैं एवरेज की तरफ। एवरेज आप सभी को पता ही है, मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं, वापस वहीं पे आ जाते हैं। इज इक्वल टू एवरेज, हम अभी तक एवरेज क्या करते थे, पहले इन सब का टोटल करते थे, फिर डिवाइड ऑफ नंबर्स कितने, 2, 4, 6 और 1, 7, इस तरह से 7 करके तब उसका रिजल्ट आता था। लेकिन अब हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला है, हमें दो दो तीन तीन स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज का, ब्रैकेट बंद करेंगे रेंज लेके। नाउ इसकी एवरेज आ गई हमारी 56395.7। आई होप 6 फॉर्मूले आपको स्टेटिस्टिकल फंक्शन समझ में आए। अगला चलते हैं यहां पर दिस वन। नाउ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ डेटा बना रखा है, अब इसके साथ साथ अभी हमने काउंट किया, राइट? अब हम करेंगे काउंट इफ। काउंट इफ किसके बिहाफ पे काउंट करना है, भाई मुझे फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, मुझे एलजी वाले प्रोडक्ट क्या करने हैं, गिनने हैं। मैं यहाँ पे एलजी डाल देता हूँ, एलजी वाले मुझे क्या करने हैं, गिन के बताने हैं इसमें से। तो इज इक्वल टू काउंट मतलब गिनेगा, और इफ मतलब कंडीशन के साथ गिनेगा,
क्या कंडीशन लगाई है यहाँ पे, देखिए आपका दोस्त क्या कह रहा है, रेंज। चलिए रेंज हमने यहां से लेके रेंज यहां तक सिलेक्ट करी, ओके। अब इस रेंज में से क्या, कोमा क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया मैंने यहां पे एलजी ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैं यहां से ले लेता हूं H2 में, और दिस वन ब्रैकेट बंद करूंगा। देखिए क्या बात है, यानी कि इसने 8 दिखा दिया, यानी कि 4 और 4 8, राइट। अगर मैं यहां पे सैमसंग लिखता हूं तो 7 हो गया, गॉट इट। चलिए इसी तरीके से आपके लिए होमवर्क है, आप निकालेंगे सैमसंग का, राइट। शीट बना लीजिएगा इसी में से, स्क्रीनशॉट करके। अब हम करते हैं काउंट, सीख लिया हमने काउंट इफ, सीख लिया, लेकिन काउंट इफ्स रह गया है। काउंट इफ्स में क्या है कि मुझे यहां पे सीखना है एलजी भी हो, लेकिन जोन में सिर्फ और सिर्फ वो ईस्ट वाला हो। मतलब अभी तक एक कंडीशन पे हमने लगाया, अब हम दो क्राइटेरियाज पे लगा रहे हैं। तो चलिए इसका फॉर्मूला बहुत ध्यान से समझेंगे आप सभी, इज इक्वल टू काउंट इफ्स। वाओ, टैब दबाइए। अब आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 मैंने ये यहां से लेके ये ले ली। चलिए इसमें से क्या मुझे सर्च करना है, मैंने कोमा दिया, क्राइटेरिया 1 मैंने लिया, रेंज क्राइटेरिया मुझे क्या चाहिए, एलजी कोमा। फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 कहां पर है, मैंने यहां से लिया और क्राइटेरिया रेंज मैंने यहां पे 2 दिया, कोमा दिस वन क्या है वो ईस्ट का काउंट करे, डन। और मैं इसको क्या कर देता हूं, अब क्राइटेरिया 3 तो है नहीं कोई, तो मैं यहां पे इसको ब्रैकेट बंद करता हूं और एंटर करता हूं, तो कितना आ गया 5, यानी कि एलजी एलजी वाले तो हैं, लेकिन सिर्फ किसका, एक एक दो तीन चार पांच, यानी कि 5 से रिजल्ट आ गया। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया। और आपके लिए होमवर्क क्या है, आप एलजी वाला देखेंगे नॉर्थ के बिहाफ पे, और सैमसंग का ईस्ट और नॉर्थ आपके लिए होमवर्क है, राइट। चलिए अगला आते हैं स्टेटिस्टिकल फंक्शन नेक्स्ट में। एवरेज तो मैंने आपको सिखाई दिया, फिर से मैं आपको एक बार फॉर्मूला लगा देता हूं एवरेज, ओके। मैंने यहां से लेके यहां तक इसकी रेंज ले लेते हैं, और मैं यहाँ पे एवरेज ही आ गया। लेकिन मुझे क्या पूछना है, मुझे जानना है एलजी वालों की एवरेज आ जाए, क्या आ जाए, एलजी वालों की जो सेल है उसकी एवरेज निकल कर आ जाए सिर्फ और सिर्फ। तो इसके लिए क्या है, एवरेज इफ। चलिए इसका मतलब इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको चीजें पहले समझनी है, क्या है वो एवरेज, ये रहा हमारा इफ, अभी इफ नहीं सिर्फ इफ। अब पूछ रहा आपसे रेंज, तो गाइस सबसे पहले हम रेंज देंगे, ये रेंज, बस यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है। अब आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो ये लीजिए दोस्तों क्राइटेरिया मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया, बिल्कुल सिंपल। एक बार समझ में आए तो दोबारा से वीडियो बैक जाके आप इसको देखें, ध्यान से समझें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका। इसके बाद फाइनली क्या पूछ रहा है, एवरेज रेंज। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया शायद क्राइटेरिया, बिल्कुल मैं यहां से क्राइटेरिया लूंगा, क्राइटेरिया क्या है मेरा, एलजी, यस कोमा। अब एवरेज रेंज दिस वन, कहीं मैंने फॉर्मूला उल्टा तो नहीं लगा दिया, मुझे लग रहा है यस। चलिए ये एक एरर आ गया, इस एरर के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, मैं फिर से समझाना चाहूंगा। एवरेज 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 इफ, मैंने दूसरा फॉर्मूला समझ लिया, रेंज सिंपल, ओके 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 दिस वन गॉट इट। अब क्राइटेरिया इसमें से क्या मुझे, एलजी गॉट इट कोमा एवरेज रेंज, और एवरेज रेंज ये रही मेरी, गॉट इट। चलिए मैं इसको दिस वन, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, चलिए क्या बात है, इसने हमें रिजल्ट निकाल के दे दिया, और नहीं तो हमें कितने सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते। अब एवरेज इफ्स, अब इसमें आपके लिए फिर से मैं बता देता हूं, एलजी किसके बिहाफ पे, ईएसटी ईस्ट। चलिए बाकी नॉर्थ और सैमसंग का आपके लिए होमवर्क है, एवरेज इफ्स मुझे आप निकालेंगे, और आंसर क्या आएगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इज इक्वल टू एवरेज इफ, इफ्स इफ्स इफ्स। नाउ आपसे अब देखिए क्या पूछ रहा है, सबसे पहले एवरेज रेंज, तो मैंने वो एवरेज इफ्स के बिहाफ पर बोल दिया था, सॉरी माय मिस्टेक। आपसे पूछ रहा है एवरेज रेंज, मैंने एवरेज रेंज दे दी, कोमा क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया वन हम ले लेते हैं प्रोडक्ट, लेकिन इस प्रोडक्ट में से मुझे क्या चाहिए, मैं यहां पे मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, नहीं तो आप डबल इन्वर्टेड कोमा डाल के लिख भी सकते हैं। मुझे चाहिए इसमें से एलजी कोमा क्राइटेरिया रेंज क्या पूछ रहा है आपसे, 2, ओके। तो चलिए मैं यहां पे 2 ले लेता हूं, चलिए क्या बात है। इसमें से क्या चाहिए यार दोस्तों, मुझे ईस्ट का,
तो मैं ब्रैकेट बंद करता हूं, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूले को और देखिए क्या बात है, इसने मुझे एवरेज निकाल के दे दी। किसके बिहाफ पर? एलजी ईस्ट के बिहाफ पर। बाकी दोनों आपके होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर क्या आया है। थर्ड चलते हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन में। यहां पर हम सीखेंगे, एक फॉर्मूला है हमारा लार्ज और एक फॉर्मूला है हमारा रैंक का, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रैंक समझा देता हूं, थोड़ा सा कलर कर देते हैं, अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है थोड़ा सा कलर। चलिए इज इक्वल टू, मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं रैंक। बस आपको थोड़ा सा यहां पे F4 का क्राइटेरिया जो है समझना है, मैं दो तीन बार रैंक आपको समझाऊंगा। कह रहे नंबर, मैंने यहां पे नंबर दिया कोमा, आपसे पूछ रहा रेफरेंस, तो रेफरेंस में मैं यहां पे पूरी ये रेफरेंस दे देता हूं, डन। और मैं F4 से इसको फिक्स करूंगा क्योंकि इस पूरी सीरीज में यानी कि B4 से लेके और B14 के बीच में ही ये सर्च करेगा। और कोमा डालते हैं, 0 मतलब डिसेंडिंग और 1 यानी कि असेंडिंग, तो असेंडिंग आप निकालेंगे और मैं यहां पे डिसेंडिंग में निकाल देता हूं, एंटर। और मैं इसको ट्रैक कर देता हूं, देखिए इसने बहुत अच्छे तरीके से 100, 2, 3 इस तरह से इसने सबकी क्या निकाल दी, रेंज निकाल दी, गॉट इट। अब यहां पे मैंने लार्ज का ऑलरेडी फॉर्मूला लगाया हुआ है लेकिन मैं फिर भी आपको चलिए F2 करके समझा देता हूं। इज इक्वल टू लार्ज, मैंने मुझे इसमें से 1, 2, 3 यानी कि लार्ज सबसे टॉप पे वैल्यूज कौन सी है, B4 से लेके B14 तक मैंने यहां पे रेंज दे रखी और कोमा डाल के मैंने 1 लगाया, तो यहां पे सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 100। अब मैं एक बार फिर से आपको फॉर्मूला लगा देता हूं, आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे। लार्ज कह रहा है एरे, मैंने कहा जी ये लीजिए एरे, ये रहा पूरा का पूरा, कोमा, अब के यानी कि कौन सा चाहिए आपको रैंक, मैंने बोला 2 और ब्रैकेट बंद किया, मैंने 98 आ गया। चलिए क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं सेकंड रैंक जो है 92 की है, 3 में, मैंने इसलिए रैंक पहले आपको समझाया। इज इक्वल टू लार्ज, वाओ, ये वो फॉर्मूले हैं जो आपके जॉब इंटरव्यू में काम आएंगे। और दिस वन देखिए क्या बात है, थर्ड रैंक यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही सेटिस्फेक्शन इसने दिया हमें। तो आई होप गाइस स्टैटिस्टिकल फंक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। मेरी थर्ड वीडियो जो होगी उसमें हम सीखेंगे डेट एंड टाइम एंड मैथमेटिकल फंक्शंस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जिन्होंने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।